गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, थैंक्स डियर चिल्ड्रंस, वेलकम टू आरपीएस ऑनलाइन क्लासेज। प्यारे बच्चों, प्रीवियस क्लासेज में हम लोग अभी स्टैंडर्ड नाइन्थ का हिंदी क्षितिज पढ़ेंगे, चैप्टर 7 मेरे बचपन के दिन, महादेवी वर्मा द्वारा रचित। ये बचपन का दिन प्रीवियस क्लासेज में पढ़े थे। प्यारे बच्चों, प्रीवियस क्लासेज में हम लोग महादेवी वर्मा की सहपाठिन जो सुभद्रा कुमारी चौहान थी, उनके साथ जो उन्होंने मीरा के पद प्रभात आदि को सुनकर भी ब्रजभाषा में लिखने लगी थी, वहां सुभद्रा कुमारी के साथ खड़ी बोली में लिखने लगी। और सुभद्रा कुमारी से छिपाकर लिखती थी। महादेवी वर्मा जब भी कविता कहानी लिखा करती थी तो सुभद्रा कुमारी चौहान से छुप करके लिखा करती थी। एक दिन की बात है कि गेस्ट की तलाशी लेने पर उन्हें पता चल गया कि लेखिका कविता लिखती है। वे उनका हाथ पकड़कर पूरे छात्रावास में छात्रावास को उनकी रचनाएं दिखाती हैं और उन दोनों में मित्रता हो जाती है। उन दोनों में सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा में मित्रता हो जाती है। दोनों एकांत में बैठकर तुकबंदी करती है और एक पत्रिका में छपने के लिए भेज देती है। वे कवि सम्मेलन में भाग भी लेने लगी। वे सत्याग्रह आंदोलन के दौरान कवि सम्मेलन में अपनी कविताएं सुनती। वहां विभिन्न कवि लेखक उपस्थित होते थे जिनमें हरिओम जी, श्रीधर पाठक, रत्नाकर जैसे साहित्यकार अध्यक्ष होते थे। लेखिका को प्रायः इन्हें हमेशा प्रथम पुरस्कार मिला करता था। प्यारे बच्चों, इसमें हम लोग एक घटना को याद करके लेखिका बताती है कि एक बार कवि सम्मेलन में भाग लेने के पश्चात उन्हें चांदी का एक सुंदर कटोरा मिला। क्या मिला था? तो चांदी का सुंदर कटोरा मिला था। वे सुभद्रा कुमारी को कटोरा दिखाती हैं। किसने दिखाती है? तो महादेवी वर्मा ने। तो वे उसी कटोरे में खीर खाने की बात कहती है सुभद्रा कुमारी। जब महादेवी वर्मा जी सुभद्रा कुमारी को चांदी का कटोरा दिखलाती है तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी, सुभद्रा कुमारी जी उसी चांदी के कटोरे में खीर खाने की बात कहती है। उन्हीं दिनों वहां गांधी जी आते हैं। लेखिका वह कटोरा गांधी जी को दिखाती है। महादेवी वर्मा चांदी के कटोरे को गांधी जी को दिखाती है। उन्होंने वह कटोरा अपने पास रख लिया, यानी गांधी जी उनका उस कटोरे को अपने पास रख लिया। लेखिका को इस बात का दुख हुआ कि उन्होंने उनकी कविता नहीं सुनी। जब वह इस घटना का वर्णन सुभद्रा कुमारी से करती है तो वह कहती है कि और जाओ दिखाने, पर खीर तो उसे बनानी पड़ेगी। दिखाती हो तो ठीक है, दिखाओ, लेकिन तुम्हें खीर तो बनानी ही पड़ेगी। लेखिका को इस बात की खुशी थी कि कटोरा गांधी जी को दिया गया था। कटोरा किसे दिया गया था? तो गांधी जी को दिया गया था। सुभद्रा कुमारी छात्रावास छोड़ गई। उनकी जगह एक जेवनशा नाम की मराठी लड़की आ गई। वह लेखिका के काम में हाथ बटा देती थी। लेखिका के हाथ में काम बटा देती थी, जिससे लेखिका को लिखने के लिए समय मिल जाता था। वे मराठी मिश्रित हिंदी बोलती थी। लेखिका भी उससे मराठी सीखने लगी। जब वे मराठी बोलती तो उनकी एक शिक्षिका कहती कि देसी कौवा, कौवा
कौ कौ जो करता है, देसी कौवा मराठी बोली। हम लोग भी टूटी फूसी फूटी भाषा में बोल देते हैं। तो जब जब निशा कहती है कि मराठी कौवा मराठी ही बोलता है, मराठी जो कौवा होता है वह किस भाषा में बोलता है, मराठी भाषा में बोलता है, वह मराठी बोलना अपना अधिकार समझती है, वह जो है मराठी बोलना अपना अधिकार समझती है। तो प्यारे बच्चों, इसमें हम कुछ शब्दार्थ आपके लिए देते हैं। इस एच डब्ल्यू में आप लिखेंगे, एच डब्ल्यू में फर्स्ट देते हैं प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखें, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखें, अर्थ लिखें। परम धाम, परम धाम, परम धाम। प्रतिष्ठित, यार बच्चों परम धाम का अर्थ होता है स्वर्ग प्राप्त करना। प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित शब्द का अर्थ होता है सम्मानित होना। निराहार, निराहार शब्द का अर्थ होता है प्यारे बच्चों बिना कुछ खाए पिए। नकाशीदार, नकाशीदार। फूल, नकाशीदार के बाद क्या है, फूल। पदक, पदक शब्द का अर्थ होता है प्रशंसा सूचक पुरस्कार। प्रभाती, प्रभाती और लहरिया, लहरिया और लास्टी है प्यारे बच्चों वाइस चांसलर, वाइस चांसलर। तो इन सभी का अर्थ अपने शब्दों में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर टू देते हैं प्यारे बच्चों कि लेखिका उर्दू फारसी, लेखिका उर्दू फारसी लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई, क्यों नहीं सीख पाई। क्वेश्चन नंबर थर्ड है प्यारे बच्चों, लेखिका ने अपनी मां के व्यक्तित्व की, लेखिका ने अपनी मां के व्यक्तित्व माँ के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का, किन विशेषताओं का विशेषताओं का उल्लेख किया है, उल्लेख किया है। तो प्यारे बच्चों ऐसे पाठ को पढ़ेंगे, पढ़ करके दिए गए शब्दों के अर्थ लिखेंगे और जो दो प्रश्न है, लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाए, लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है, इत्यादि को फिर की कॉपी में डन करेंगे। थैंक्स प्यारे बच्चों, बाय।